भीतर विराजमान परमात्मा को बहुत प्रेम पूर्वक याद कीजिए। विपत्तियों का पहाड़ दुखों का सागर भी एक साधक को दुखी नहीं कर सकता। यदि इस बोध को वह स्वीकार कर लेता है वह सर्वसमर्थ परमात्मा या मेरा परमात्मा सब सुखदाता परमात्मा सर्वसंकटहारी परमेश्वर वे सर्वज्ञ सर्वसमर्थ करुणानिधि मेरे भीतर ही तो विराजमान है, वही तो मेरा अपना है, ये मेरे अंग संग है। कौन सी ऐसी मुसीबत है, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सा ऐसा दुख है जो परमात्मा के होते हुए मुझे दुखी कर सकेगा। हे परमेश्वर, यदि ये सत्य है तो फिर मुझे दुख क्यों है, फिर मैं दुखी क्यों हूं, मैं उदास क्यों हूं, मुझे चिंता क्यों होती है, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मेरा विश्वास पूर्ण नहीं, क्या मैंने कभी तुम्हें अपना माना नहीं, क्या मुझे ये विश्वास है कि तू मेरे भीतर विराजमान है, क्या मुझे ये विश्वास है कि तू सब की सब कुछ जानता है, क्या मुझे ये विश्वास है कि तू सर्वसमर्थ है, संभव को भी संभव बनाने वाला है तू राम, क्या मुझे ये विश्वास है, क्या मुझे ये विश्वास है कि सारे संसार के दुखों को देखकर वह परमात्मा कितना दुखी होता है, क्या मुझे इस प्रकार का विश्वास है, क्या मैंने तुझे कभी अपना माना है, आप मेरे हो। लगता है परमात्मा आप कुछ बोलो ना बोलो मैं अपनी कमियों को जानता हूं, यही मुख्य कारण है मेरे दुख का। जो आप सत्यता हो मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया, मैंने कभी माना ही नहीं, मुझे कभी ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए दुखी हूं, इसलिए भटकता फिर रहा हूं, इसलिए उदास रहता हूं, इसलिए छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर जाती हैं, दुखी कर देती हैं, उदास कर देती हैं। तुझे अपना मान के तेरे साथ जुड़ा रहूं तो फिर बड़ी से बड़ी विपत्ति भी मुझे कभी हिला नहीं सकेगी, मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। वह विपत्ति वह दुख नहीं जानते कि तू कितना महान है, तू कितना बड़ा है। मेरा विश्वास ही डगमगाने वाला है तो विपत्ति मुझे जकड़ लेती है, दुख मुझे जकड़ लेता है और मुझे दुखी कर देता है। दोष मेरा है परमात्मा, दोष मेरा है, मेरे अंदर विश्वास की नितांत कमी है। ये सत्य मैंने सभी कर रही कभी नहीं। हे दुखहर्ता, हे सब सुखदाता परमात्मा, आज तेरे दरबार में बैठा हुआ तेरे से भीख मांगता हूं परमेश्वर, जो आप हो उसका बोध मुझे दो, मात्र बोध ही नहीं मैं उसे अक्षरशः स्वीकार करूं। कभी मेरे मन में
तनिक भी शंका न हो। आज दिन भर सत्चिर जाप करोगे, ये विश्वास आना, परमात्मा की जानकारी, फिर उस पर विश्वास करना, ये कोई आसान काम नहीं है। प्रवचन देना बहुत आसान, समझाना बहुत आसान, लेकिन इसे जीवन में उतारना अति दुष्कर है। न जाने दिन में कितनी बार इतना विश्वास नहीं होता जितना अविश्वास होता है, कितने अविश्वास के कितने क्षण हमारे जीवन में, कितने मिनट हमारे जीवन में बन रहते हैं। विश्वास कम, अविश्वास कहीं ज्यादा। आज जाप करो उस बलदाता से, उस बल के स्रोत से, आज यही बार बार कहो, मैं बलहीन हूं इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आज से बलदाता मेरा है, उसे अपना स्वीकार करो, उसे अपना मानो, वही है देवियों सचरों अपना, उसके सिवा अपना कोई नहीं है। ये जब से हमने परमात्मा को छोड़कर दूसरों को अपना मान लिया है, तभी से दुख का जंजाल फैल गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये फैलता ही जा रहा है। परमेश्वर तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, 7 बार बोल के माला फेरो, लंबा श्वास लेके थोड़ा सा भी श्वास, अल्पकाल के लिए श्वास रोको, उस वक्त फिर ये बोलो, हे राम मैं तेरा हूं, तू मेरा है, फिर जप करो। आज दिन भर इसी प्रकार व्यतीत करो, साधक शुरू हो, एक सप्ताह इस प्रकार से की हुई साधना, एक सप्ताह के लिए इस प्रकार से किया हुआ प्रयास बहुत लाभ देगा। परमेश्वर आपको स्मत्व प्रदान करेगा, परमेश्वर आपको अपने गुण प्रदान करेगा, दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे, अपना विश्वास प्रदान करेगा तो अविश्वास अपने आप भाग जाएगा। ये अविश्वास ही है साधक शुरू हमारे दुख का कारण, बहुत दुखी करता है ये, बहुत दुखी करता है ये। तनिक कुछ अप्रिय घटित हो जाता है जो दिन में घटित होता ही रहता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम डाउन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और परमात्मा बेचारा निस्सहाय हो जाता है। ये इसकी जुड़ी हुई तार इसने तोड़ डाली है, मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से इसके अंदर प्रविष्ट हूं, मैं भीतर विराजमान बैठा हुआ, ये मुझे मानता नहीं है कि मैं भीतर हूं, मैं क्या करूं इसका। न जाने कितनी बार प्रेम पूर्वक, कितनी बार मैं चोटे मार के तो इसे समझाता हूं, बताता हूं, अरे मैं भीतर विराजमान हूं तो मेरे साथ अपना संपर्क क्यों तोड़ता रहता है, क्यों बाहर जाता है, क्यों बाहर भटकता है। जो तुझे चाहिए वे सब कुछ मेरे पास है और मैं देने को तैयार हूं। हे राम तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, 7 बार बोल के जप कीजिएगा,
लंबा श्वास लेके जिस में अल्पकाल के लिए श्वास को रोकते हो, जिसे कुंभक कहा जाता है, नहीं भी रोकते तो रोको उसे, रोक के फिर 7 बार बोलो, मैं तेरा राम तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। और फिर माला फिर 1 सप्ताह के लिए सब जनों आज से ही करके देखो, परमात्मा हम सबको लाभ दे, हम सबको लाभ दे, हम सबको अपने श्री चरणों अपने नाम में विश्वास दे, विश्वास दे, विश्वास दे, विश्वास दे, राम।